उसका नाम है जैसलमेर का दुर्ग। नेक्स्ट हम जो जिला लेते हैं वो है जैसलमेर, वो है जैसलमेर। और हम बात करेंगे जैसलमेर दुर्ग की। जैसलमेर दुर्ग जो है वो त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है, त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है। इसका निर्माण जैसल सिंह भाटी के द्वारा करवाया गया, निर्माण करवाया गया जैसल सिंह भाटी के द्वारा, निर्माण करवाया गया जैसल सिंह भाटी के द्वारा। कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? त्रिकुट नामक पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट, यह राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना किला है। पहला आएगा तब देखेंगे कौन सा है। यह राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना किला है। अब इस दुर्ग के कुछ अन्य नाम है वो देखते हैं, इम्पोर्टेंट है ये भी काफी। इस दुर्ग के कुछ और नाम है वो देखते हैं। इसका नाम है सबसे पहले कोराहरा गढ़, पहला नाम है गोरहरा गढ़। नेक्स्ट सोनगिरी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे नाम, गोहरागढ़, गोरहरागढ़। नेक्स्ट सोनगिरी, नेक्स्ट स्वर्णगिरी, एग्जाम में वो गोल्डन फोर्ट के नाम से भी पूछ सकता है तो हमें याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। सोनगिरी या स्वर्णगिरी राजस्थान का अंडमान और रेत में लंगर डाले हुए जहाज के समान, रेत में लंगर डाले हुए जहाज के समान राजस्थान का अंडमान, रेत में लंगर डाले हुए जहाज के समान। रेगिस्तान का गुलाब भाटी भट्ट किवाड़ पश्चिमी सीमा का पहरी गलियों का दुर्ग, ये सब इसके नाम है और ये सारे नाम बहुत इम्पोर्टेंट भी हैं। पश्चिमी सीमा का पहरी, गलियों का दुर्ग, भाटी भट्ट किवाड़, और एक फाइनल जो नाम है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट, त्रिकुट पहाड़ी पे स्थित होने के कारण इसको बोलते हैं त्रिकुट गढ़। इम्पोर्टेंट कि त्रिकुट नामक पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इसको बोलते हैं त्रिकुट गढ़। अबुल फजल ने इसके बारे में एक स्टेटमेंट दिया था, जैसे कर्नल जेम्स टोड ने कोटा दुर्ग के लिए बोला था कि परकोटा इसका सबसे बड़ा है, अबुल फजल ने जैसलमेर दुर्ग के लिए कहा था, ऐसा दुर्ग है जहां तक पहुंचने के लिए कि जैसलमेर के दुर्ग तक पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे चाहिए। तो परकोटे की अगर बात आए तो टिक करना है कोटा दुर्ग, पत्थर की टांगे किसके दुर्ग के लिए चाहिए, जैसलमेर दुर्ग तक पहुंचने के लिए किसकी टांगे चाहिए, पत्थर की टांगे चाहिए। नेक्स्ट, इस दुर्ग में 250 साके हुए, हम देख चुके हैं कि इसमें 250 साके हुए, ये विश्व धरोहर सूची में शामिल है। ऐसे मैं बता चुकी हूँ आपको पहले ही कौन कौन से दुर्ग विश्व धरोहर सूची में शामिल है, तो जैसलमेर दुर्ग भी विश्व धरोहर सूची में शामिल दुर्ग है, विश्व धरोहर सूची में शामिल दुर्ग। तो ये जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जैसलमेर दुर्ग के बारे में मैंने बताए, जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो सब हमने देख लिए। इसको फटाफट रिकॉल करते हैं कि ये त्रिकुट नामक पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए इसको त्रिकुटगढ़ नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण जैसल सिंह भाटी के द्वारा करवाया गया। ये राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना किला है। इसके कुछ अन्य नाम है जो सारे के सारे बहुत इम्पोर्टेंट है, गोहरारगढ़ दुर्ग, सोनगिरी, स्वर्णगिरी, राजस्थान का अंडमान, रेत में लंगर डाले हुए जहाज के समान, रेगिस्तान का गुलाब, भाटी भट्ट किवाड़, पश्चिमी सीमा का पहरी,
गलियों का दुर्ग, इन सभी नामों से किसको जाना जाता है? जैसलमेर दुर्ग को जाना जाता है। अब्दुल फजल ने जैसलमेर दुर्ग के लिए कहा कि इस दुर्ग तक पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे चाहिए, ये विश्व धरोहर सूची में शामिल दुर्ग है। तो हमें दुर्ग वाला जो टॉपिक है ये सबसे लेंथी टॉपिक है, क्योंकि इसमें हर जिले में कम से कम दो या तीन दुर्ग हैं। उन दुर्गों के जिन्होंने उसका निर्माण किया, निर्माता का नाम, उनके अन्य नाम पढ़ने में टाइम लगेगा, लेकिन एक दो बार पढ़ने के बाद इनके सबके नाम याद हो जाएंगे कि हाँ इनका नाम ये है। क्वेश्चन बहुत सिंपल आता है इससे, कि एग्जाम में बहुत बार पूछता है कौन से दुर्ग को पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे चाहिए, ये बात अबुल फजल ने कौन से दुर्ग के लिए कही? तो सिंपल सी बात है, जैसलमेर दुर्ग के लिए कही गई। नेक्स्ट आगे देखते हैं, बाड़मेर में स्थित शिवाणा दुर्ग। नेक्स्ट पढ़ते हैं बाड़मेर, और बाड़मेर का सबसे पहले नंबर पे पढ़ते हैं शिवाणा दुर्ग। अभी हम पढ़ के आए थे गागरौन और शिवाणा दुर्ग में कितने साके हुए हैं, इन दोनों में दो साके हुए। इस दुर्ग के अन्य नाम है, इसको इस दुर्ग को जालोर के दुर्ग की कुंजी कहते हैं, जालोर के दुर्ग की कुंजी, खैराबाद, क्या क्या नाम बताए? एक तो बोलते हैं इसको जालोर के दुर्ग की कुंजी, खैराबाद, मारवाड़ के राजाओं की स्वर्णस्थली। जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो पता चलेगा इसको मारवाड़ के राजाओं की स्वर्णस्थली क्यों कहते हैं। मारवाड़ के राजाओं की शरणस्थली क्योंकि जब भी उन पे कोई मुसीबत आई तो वो शिवाणा दुर्ग में आके ही ठहरे, तो इसको बोलते हैं मारवाड़ के राजाओं की शरणस्थली, जालोर के दुर्ग की कुंजी एवं इसको मारवाड़ के राजाओं की स्वर्णस्थली व मारवाड़ के राजाओं की संकटकालीन राजधानी भी बोलते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट, संकटकालीन राजधानी भी कहते हैं। कौन से दुर्ग को? शिवाणा दुर्ग को, जो स्थित है बाड़मेर में। ये कहाँ स्थित है? शिवाणा दुर्ग जो है वो हल्देश्वर पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? हल्देश्वर पहाड़ी पर स्थित है। कौन सा दुर्ग? शिवाणा दुर्ग स्थित है हल्देश्वर पहाड़ी पर स्थित है। इसमें दो साके में हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट यहां पर एक दुर्ग और याद रखना है बाड़मेर में, जिसका नाम है कोटड़ा का किला। नेक्स्ट दुर्ग है कोटड़ा का किला, जो कहां स्थित है? बाड़मेर में। बाड़मेर में याद रखना है शिवाणा दुर्ग और कोटड़ा का किला। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहां करौली की। करौली, तो करौली में एक पढ़ते हैं मंडरायल दुर्ग, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है मांडलगढ़ दुर्ग और मंडरायल दुर्ग में। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, मंडरायल करौली में। करौली में रह आ रहा है तो मंडरायल में भी रह आ रहा है, जबकि मांडलगढ़ में भीलवाड़ा तो उसमें डायरेक्ट ले आ रहा है। तो हमें यहाँ याद रखना है मंडरायल का दुर्ग और मांडलगढ़ का दुर्ग। मांडलगढ़ का जो दुर्ग है वो है भीलवाड़ा में, मंडरायल का दुर्ग है करौली में। इस दुर्ग को करौली दुर्ग भी कहते हैं। इस दुर्ग को ग्वालियर दुर्ग की कुंजी कहते हैं, कि कुंजी भी कहते हैं। कौन से दुर्ग की? ग्वालियर दुर्ग की कुंजी किसको कहते हैं? मंडरायल दुर्ग को, जबकि जालोर दुर्ग की कुंजी कहते हैं शिवाणा दुर्ग को। उसके अलावा यहां है एक और, तिमनगढ़ या त्रिभुवनगढ़ दुर्ग। तिमनगढ़ या त्रिभुवनगढ़ दुर्ग ये कहां पर है? करौली में। तो करौली के हमने दो दुर्ग का नाम पढ़ा, मंडरायल दुर्ग जिसको करौली दुर्ग या ग्वालियर दुर्ग की कुंजी कहते हैं, और करौली में एक और पड़ा तिमनगढ़ और त्रिभुवनगढ़ दुर्ग। बाड़मेर में भी दो, शिवाणा दुर्ग और कोटड़ा का किला। शिवाणा दुर्ग को हमने कहा जालोर दुर्ग की कुंजी, खैराबाद, मारवाड़ के राजाओं की शरणस्थली व संकटकालीन राजधानी। बाड़मेर, ये जो शिवाणा दुर्ग है वो हल्देश्वर पहाड़ी पर स्थित है। जैसलमेर दुर्ग के बारे में पहले ही अच्छे पढ़ लिया था, अब आगे बढ़ते हैं और देखेंगे हम धौलपुर के बारे में, कि धौलपुर में कौन कौन से दुर्ग स्थित हैं। नेक्स्ट धौलपुर,
और धौलपुर में देखेंगे सबसे पहले शेरगढ़ दुर्ग, नेक्स्ट धौलपुर, धौलपुर में नंबर वन पे शेरगढ़ दुर्ग। तो शेरगढ़ दुर्ग कहां स्थित है? धौलपुर में स्थित है, जिसको दक्षिण का द्वारगढ़ मतलब दक्षिण का प्रवेश द्वार भी बोलेंगे, दक्षिण का द्वारगढ़ भी कहेंगे। इसको धौलपुर दुर्ग या फिर धौल देहरागढ़ या धौलपुर दुर्ग के नाम से भी जानते हैं। कौन से दुर्ग को? शेरगढ़ दुर्ग को। दक्षिण का द्वारगढ़, धौल देहरागढ़ और धौलपुर दुर्ग के नाम से भी जानते हैं। एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो कि राजस्थान, यूपी और एमपी की सीमा पर स्थित है। सिर्फ इतना ही स्मरण में इम्पोर्टेंट है, जो राजस्थान, यूपी और एमपी की सीमा पर स्थित है। ये बात की हमने शेरगढ़ दुर्ग की। नेक्स्ट बात करते हैं बूंदी, और बूंदी में पढ़ेंगे बूंदी का किला। शेरगढ़ दुर्ग पढ़ा। शेरगढ़ दुर्ग स्थित है धौलपुर में, जिसका नाम है धौल देहरागढ़ या दक्षिण का द्वारगढ़। नेक्स्ट बूंदी का किला, जिसको तारागढ़ के नाम से भी जानते हैं, जिसको तिलस्मी किला भी कहा जाता है, तारागढ़ भी बोलते हैं इसको, तिलस्मी किले के नाम से भी जाना जाता है। सिर्फ इतना ही याद रखना है। बस एक चीज और है कि ये जो दुर्ग है वो अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। हमने जब पढ़ा था चित्रकला, तब मैंने बताया था भित्ति चित्रों के लिए सेखावटी क्षेत्र और बूंदी प्रसिद्ध है, और बूंदी का जो किला है वो भित्ति चित्रों के लिए काफी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट बात करेंगे अजमेर की। नेक्स्ट अजमेर में सबसे पहले देखते हैं तारागढ़। बूंदी के किले का अन्य नाम भी तारागढ़ है, और अजमेर में भी तारागढ़ दुर्ग स्थित है, जिसका निर्माण अजय राज ने करवाया था। किसने करवाया था? अजय राज चौहान ने जिसका निर्माण करवाया। इस दुर्ग के नाम है अन्य अजय मेरु दुर्ग। इस दुर्ग के अन्य नाम है अजय मेरु दुर्ग और राजस्थान का हद्द अरावली का अरमान। राजस्थान का गौरव तो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जबकि राजस्थान का जो हृदय है वो है तारागढ़ दुर्ग, जो अजमेर में स्थित है। अरावली का अरमान, नेक्स्ट इसको बोलते हैं राजपुताना की कुंजी। नेक्स्ट गढ़ बीटली दुर्ग कहा गया क्यों? क्योंकि ये गढ़ बीटली नामक पहाड़ी पर स्थित है। गढ़बेटली दुर्ग, अजय मेरु दुर्ग, राजस्थान का हद्द, अरावली का अरमान, राजपुताना की कुंजी, गढ़बेटली दुर्ग। तारागढ़ दुर्ग को राजस्थान का क्या कहते हैं? जिब्राल्टर। राजस्थान का जिब्राल्टर कहा गया किसको? तारागढ़ दुर्ग को। जबकि राजस्थान का वेल्लोर कहा गया भैंसरोडगढ़ दुर्ग, जो चित्तौड़ में स्थित है। तारागढ़ दुर्ग को बोला गया अजय मेरु दुर्ग, राजस्थान का हद्द, जबकि राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ दुर्ग को बोला गया। अरावली का अरमान, राजस्थान का अंडमान जो बोला गया वो बोला गया जैसलमेर दुर्ग को। राजपुताना की कुंजी तारागढ़, जालौर के दुर्ग की कुंजी शिवाना दुर्ग, ग्वालियर दुर्ग की कुंजी कौन सा था? मंडरायल दुर्ग, जो स्थित था कहां पर? करौली में। नेक्स्ट गढ़बेटली दुर्ग, अजयराज चौहान ने इसका निर्माण करवाया। इसको राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहते हैं। अब इस दुर्ग में क्या क्या स्थित है वो इम्पोर्टेंट है। यहां पर है मीरान साहब की दरगाह, घोड़े की मजार, रूठी रानी उमादे की छतरी। तो इम्पोर्टेंट है यहां पर रूठी रानी उमादे की छतरी कहां है? रूठी रानी उमादे की छतरी है तारागढ़ दुर्ग में।
कहाँ स्थित है रूठी रानी वादे की छतरी? तारागढ़ दुर्ग में स्थित है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, नेक्स्ट आता है अकबर का किला, अजमेर में तारागढ़, फिर आता है अकबर का किला। नेक्स्ट अकबर का किला, तारागढ़ दुर्ग के बाद में सेकंड नंबर पे अजमेर में पढ़ते हैं अकबर का किला, जिसको बोलते हैं मैगजीन का किला, शास्त्रागार, मैगजीन का किला, शास्त्रागार, शास्त्रागार या दौलत खाना, या दौलत खाना। बहुत बार पूछा जाता है मैगजीन का किला कहाँ स्थित है, मैगजीन का किला स्थित है अजमेर में, इसको बोलते हैं शास्त्रागार या अकबर का दौलत खाना, इन सभी नामों से इसको जाना जाता है। हल्दी घाटी के युद्ध की जो रणनीति बनाई गई थी वो कौन से किले में बनाई गई थी? अकबर के किले में। हल्दी घाटी के युद्ध की रणनीति बनाई गई थी इसी किले में, जबकि नागौर दरबार जो लगा था वो लगा था नागौर के किले में। नागौर दरबार लगाया था अकबर ने कहा नागौर के किले में, और हल्दी घाटी युद्ध की जो रणनीति बनाई गई थी वो बनाई गई थी अकबर के किले में। नेक्स्ट, उसके अलावा यहाँ दो नाम और हैं जो सिर्फ हमें याद रखने हैं, एक है कहरीगढ़ और दूसरा है टॉडगढ़, सिर्फ नाम ही याद रखने हैं, कहरीगढ़ और टॉडगढ़। ये हमने अजमेर की बात की, अजमेर में तारागढ़, नेक्स्ट अकबर का किला, फिर कहरीगढ़, फिर टॉडगढ़। तो इनको हम थोड़ा सा डिटेल से देख एक बार फिर से रिविजन कर लेते हैं फटाफट। तो धौलपुर में पढ़ा हमने शेरगढ़ दुर्ग, जिसको दक्षिण का द्वारगढ़, धोलदेरागढ़, धौलपुर दुर्ग के नाम से जानते हैं। एकमात्र ऐसा दुर्ग है राजस्थान का जो तीन राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाता है, राजस्थान, यूपी और एमपी के साथ। बूंदी का किला जो है, जो बूंदी में स्थित है, उसको तारागढ़ नाम से भी जानते हैं, उसको तिलस्मी किला भी कहते हैं, जो अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अजमेर में तारागढ़ दुर्ग है, जिसको अजय मेरु दुर्ग, राजस्थान का हृदय, अरावली का अरमान, राजपुताना की पूंजी, जिसका निर्माण अजयराज चौहान ने करवाया, जिसको राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहते हैं। इस दुर्ग में मीरान साहब की दरगाह है, घोड़े की मजार है और रूठी रानी माते की छतरी है। अकबर का किला, जिसको मैगजीन का किला, शास्त्रागार और अकबर का दौलत खाना नाम से जानते हैं। इसी किले में हल्दी घाटी युद्ध की रणनीति तैयार की गई थी। अजमेर में दो दुर्ग और हैं जिनके नाम है कहरीगढ़ और टोडगढ़। अब आगे चलते हैं, अब बात करेंगे हम जयपुर की, जिसमें सबसे पहले देखेंगे आमेर का दुर्ग। जयपुर में सबसे पहले देखेंगे आमेर दुर्ग। नेक्स्ट बात करते हैं जयपुर की, जयपुर में और उसमें भी बात करेंगे सबसे पहले आमेर दुर्ग की। आमेर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? दूल्हे राय ने। आमेर दुर्ग का निर्माण करवाया था दूल्हे राय ने। ठीक है, आमेर दुर्ग का निर्माण करवाया गया दूल्हे राय के द्वारा। इसके दूसरे नाम है, आमेर दुर्ग के दूसरे नाम है अंबावती दुर्ग या अंबर दुर्ग, अंबावती दुर्ग या अंबर दुर्ग। ये नाम है किसके? आमेर दुर्ग के, अंबावती दुर्ग या अंबर दुर्ग। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें इस दुर्ग में शिला देवी माता का मंदिर है। किसका मंदिर है? शिला देवी माता का मंदिर। कौन से दुर्ग में है? आमेर दुर्ग में स्थित है शिला देवी माता का मंदिर। इसका निर्माण जो किया था वो दूल्हे राय ने किया था, और जो पुनः निर्माण किया गया वो किया गया मानसिंह फर्स्ट के द्वारा, मानसिंह प्रथम के द्वारा इसका पुनर्निर्माण किया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं जयगढ़ दुर्ग की। नेक्स्ट जयपुर में बात करेंगे जयगढ़ दुर्ग की, जिसको संकट मोचक दुर्ग और
चिले का टीला, दो उपनाम दिए गए, क्या नाम दिए गए, संकट मोचक दुर्ग और चिले का टीला नामों से जाना जाता है। इस दुर्ग का निर्माण मानसिंह फर्स्ट ने करवाया, किसने करवाया निर्माण, मानसिंह फर्स्ट ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया और इसका पुनर्निर्माण करवाया फिर जय सिंह ने, सवाई जय सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया, मानसिंह फर्स्ट ने इसका निर्माण करवाया, जय सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। इस दुर्ग में, जयगढ़ दुर्ग में एशिया का तोप ढालने का सबसे बड़ा कारखाना है, एशिया का तोप ढालने का सबसे बड़ा कारखाना कहां स्थित है, सबसे बड़ा कारखाना स्थित है कहां, जयगढ़ दुर्ग में, एशिया का तोप ढालने का सबसे बड़ा कारखाना कहां स्थित है, जयगढ़ दुर्ग में स्थित है। नेक्स्ट आता है नाहरगढ़ दुर्ग, नेक्स्ट है नाहरगढ़ दुर्ग, आमेर का दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग, फिर है नाहरगढ़ दुर्ग। जो नाहरगढ़ दुर्ग है उसको बोलते हैं सुलक्षण दुर्ग, सुलक्षण दुर्ग या सुदर्शनगढ़ दुर्ग। तो सुदर्शनगढ़ दुर्ग नाम से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सुदर्शनगढ़ दुर्ग कौन सा है, तो नाहरगढ़ दुर्ग है उसी का ही नाम है सुदर्शनगढ़ दुर्ग। नेक्स्ट, इसको जयपुर का मुकुट भी बोलते हैं, इस नाहरगढ़ दुर्ग को जयपुर का मुकुट बोलते हैं, जैसे कि सज्जनगढ़ दुर्ग को उदयपुर का मुकुटमणि कहा था, वैसे ही जयपुर का मुकुट किसको बोला गया, नाहरगढ़ दुर्ग को किया गया है। इसका निर्माण जो है वो मराठों के डर से किसने करवाया था, सवाई जय सिंह ने, सवाई जय सिंह ने, मराठों के डर से नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया सवाई जय सिंह के द्वारा। नेक्स्ट, इसी दुर्ग के पास राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान है, इसी दुर्ग के पास में राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान स्थित है, राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान कौन से दुर्ग के पास स्थित है, तो नाहरगढ़ दुर्ग के पास राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान स्थित है। नेक्स्ट आता है माधो राजपुरा का किला, माधो राजपुरा का किला, फिर नेक्स्ट है चोमू का किला, सिर्फ नाम ही याद रखने हैं, चोमू का किला। ये हुए जयपुर के खत्म, फटाफट देखते हैं। सबसे पहले पड़ा आमेर दुर्ग, आमेर दुर्ग का निर्माण दुलेराय ने करवाया था जिसका पुनर्निर्माण मानसिंह प्रथम ने करवाया। इस दुर्ग को अंबावती दुर्ग, अंबर दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। इस दुर्ग में शीला देवी माता का मंदिर स्थित है। नेक्स्ट है जयगढ़ दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग को संकट मोचक दुर्ग या चिले का टीला नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण मानसिंह फर्स्ट ने करवाया और पुनर्निर्माण जय सिंह ने करवाया। इस दुर्ग में एशिया का तोप ढालने का सबसे बड़ा कारखाना स्थित है। नाहरगढ़ दुर्ग जो है उसको सुलक्षणगढ़ दुर्ग, सुदर्शनगढ़ दुर्ग और जयपुर का मुकुट इन नामों से जानते हैं। मराठों के डर से सवाई जय सिंह ने नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। इसी दुर्ग के पास में राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान स्थित है। माधो राजपुरा का किला और चोमू का किला कहां स्थित है, जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं अपन टोंक में, नेक्स्ट दुर्ग पढ़ेंगे टोंक के, टोंक में कौन कौन से दुर्ग स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं टोंक के दुर्ग, टोंक में कौन कौन से दुर्ग स्थित है। एक आता है पच्चेवर का किला, टोंक की बात करेंगे, टोंक में कहता है पच्चेवर का किला जिसको चोबुर्जा किला भी कहते हैं, चोबुर्जा किला भी कहते हैं, जिसको चोबुर्जा किला भी कहते हैं। क्या बताया, सबसे पहले पड़ा पच्चेवर का किला जिसको चोबुर्जा किला भी कहते हैं। नेक्स्ट है अंसीरगढ़, नेक्स्ट है अंसीरगढ़, टोंक में पच्चेवर का किला, सेकंड है अंसीरगढ़ जिसको भूमगढ़ और दक्षिण की चाबी कहते हैं, भूमगढ़ या दक्षिण की चाबी कहते हैं। कौन से किले को, अंसीरगढ़ को जो टोंक में स्थित है उसको भूमगढ़ और दक्षिण की चाबी कहते हैं। उसके अलावा यहाँ एक किला और है,
कंकोड का किला, सिर्फ नाम ही याद रखना है, कंकोड का किला कहाँ स्थित है, टोंक में। पचेवर का किला जिसको चौगुर्जा किला भी कहते हैं, अंसीरगढ़ जिसको भूमगढ़ या दक्षिण की चाबी के नाम से जानते हैं, फिर है टोंक यानी कंकोड का किला। एक और किला है जो टोंक में स्थित है, वो है कंकोड का किला। नेक्स्ट 12 में देख लेते हैं। 12 में याद रखना है कोशवर्धन किला, कोशवर्धन दुर्ग या किला, कोशवर्धन दुर्ग कहां स्थित है, 12 में स्थित है कोशवर्धन दुर्ग, 12 में स्थित है कोशवर्धन दुर्ग। और एक और है शाहबाद दुर्ग, दो याद रखने हैं, कोशवर्धन दुर्ग और शाहबाद दुर्ग दोनों कहां स्थित है, 12 में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं झालावाड़ की। जिसमें पढ़ेंगे सबसे पहले गागरोन दुर्ग। गागरोन और शिवाना में हमने पढ़ा था दो साके हुए हैं, वही गागरोन दुर्ग है ये। और हमने बोला था जब हम चंबल की सहायक नदियां पढ़ रहे थे, काली सिंध आहू और परवन, वहां पे हमने बोला था काली सिंध में आहू गागरोन दुर्ग के पास में मिलती है, तो ये वही गागरोन दुर्ग है। इसके अन्य नाम है डोडगढ़, धूलरगढ़। इस दुर्ग के अन्य नाम है डोडगढ़, धूलरगढ़ और एक नाम और है मुस्तफाबाद, मुस्तफाबाद बाद एक नाम और है गरगराटपुर, गरगराटपुर गरगराटपुर नाम बताए, टोडगढ़, धूलरगढ़, मुस्तफाबाद और गरगराट, गरगराट पुर, गरगराट पुर, ये सब नाम है किसके, इसके गागरोन दुर्ग के। नेक्स्ट बात करते हैं, ये हमें पता है काली सिंध और आहू नदी के संगम पर स्थित है, हमने पढ़ी थी नदियां तब हमने देखा था, काली सिंध प्लस आहू नदी के संगम पर स्थित है ये दुर्ग, दो नदियों के संगम पर स्थित है काली सिंध और आहू नदी के। यहां पर क्या है, एक दरगाह है, किसकी दरगाह है, गागरोन में सूफी संत जिनका नाम है हमीमुद्दीन, हमीमुद्दीन की दरगाह स्थित है कहां, झालावाड़ गागरोन दुर्ग में सूफी संत हमीमुद्दीन की दरगाह है, जिसको मीठे शाह की दरगाह भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मीठे शाह की दरगाह के नाम से भी जानते हैं। कहां स्थित है ये, गागरोन दुर्ग में स्थित है। नेक्स्ट इसमें दो साके हुए हमें पता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस दुर्ग में संत पीपा की छतरी है, संत पीपा की छतरी है कहां पर, गागरोन दुर्ग में संत पीपा की छतरी कहां स्थित है, गागरोन दुर्ग में संत पीपा की छतरी स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहां पर एक दुर्ग और है जिसका नाम है मनोहर थाना किला, मनोहर थाना किला, मनोहर थाना किला कहां स्थित है, यही झालावाड़ में स्थित है मनोहर थाना किला। तो हमने यहां किसकी बात की, हमने यहां बात की झालावाड़ की, जहां झालावाड़ में पड़ा गागरोन दुर्ग, जिसके अन्य नाम बताए टोडगढ़ दुर्ग, डोडगढ़ दुर्ग, धूलरगढ़, मुस्तफाबाद, गरगराटपुर, जो गागरोन दुर्ग है वो काली सिंध और आहू नदी के संगम पर स्थित है। इस झालावाड़ दुर्ग में एक सूफी संत हमीमुद्दीन की दरगाह स्थित है, जिसको मीठे शाह की दरगाह के नाम से भी जानते हैं। इसी दुर्ग में संत पीपा की छतरी भी है। झालावाड़ में एक किला और है मनोहर थाना किला। टोंक में दो तीन किले याद रखने हैं, पंचेवर का किला, अंसीरगढ़ का किला और ककोड़ का किला। 12 में कोशवर्धन दुर्ग और शाहबाद दुर्ग।